सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक श्री अनु शर्मा जी, विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलदेव भाई शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री भरत वर्मा जी, श्री विवेक त्रिपाठी जी, विमल चावड़ा जी, विके जी, श्रीमती जानकी नारायण चंद्रा जी, श्याम बैस जी, और मंच में विराजमान सबो हमर कृषि वैज्ञानिक गण, कृषि विशेषज्ञ गण, महानुभव गण और कृषि विभाग के सभी हमर अधिकारी गण और प्रदेश भर से आए अन्नदाता हमर किसान भाई बहनी मन और हमर युवा साथी भाई मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले आप मन के ये किसान मेला और प्रदर्शनी के बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बड़ा आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर हुई से और एकर निश्चित रूप से हमर छत्तीसगढ़ ला लाभ मिलने वाला है और एक लिए मैं कृषि विश्वविद्यालय के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमर कृषि मंत्री जिला और उनके मंत्रालय ला भी मैं धन्यवाद देता हूँ और हमर ये छत्तीसगढ़ धान के कटोराए अधिकांश भाई मन के परिवार के आजीविका कृषि से जुड़ी से और आज हमारे वैसे देश भी कृषि प्रधान देश है। आज अधिकांश 70 से 75% आबादी कृषि पर आधारित है और अगर हमन विकसित भारत के बात करथन तो किसान मन के विकास बहुत जरूरी है। हमला विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करना है और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी आज 70-75% आबादी आज कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि ला हमला जोर देना पड़ी और ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी कार्यक्रम निश्चित रूप में ओडिशा में एक मील के पत्थर साबित हो ही। हमर सरकार लगातार किसान मन के विकास पर ध्यान दे थे, अपन आजादी के 75 साल में भी अगर चिंतन करिया तो हमर जो भी सरकार रही से, चाहे भारत सरकार चाहे प्रदेश के सरकार, वो किसान मन के चिंता करी से। हमर ये देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माता देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहें, उस समय मोला सौभाग्य प्राप्त हुई रही से कि मैं सांसद रहे तो उस समय पहली बार हमारे देश के किसान मन पर किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करी। ओकर लिए पहली हमारे किसान मन महाजन मन से अपन खेती बाड़ी पर पूंजी के व्यवस्था करें और खूब सारा ब्याज देना पड़े, लेकिन आज किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हमारे करोड़ों किसान लाभ लेते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोऑपरेटिव बैंक में आज 0% में केसीसी के व्यवस्था है। आज फसल बीमा के नाम हम सुनत रहे, लेकिन अटल जी के समय से ही फसल बीमा के भी सरलीकरण हुई और आज फसल बीमा के भी लाभ होते है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं तो वो भी किसान मन की आयला दोगुना करना चाहते हैं और कई तरह के योजना ओमन चलात हैं। सिंचाई के व्यवस्था ज्यादा हो कर ले प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, एक तो पहली ओमन मंत्रालय के नाम ही बदल दिन, कृषि मंत्रालय के नाम बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिन और कई तरह के व्यवस्था आज प्रधानमंत्री जी करत हैं ताकि किसान मन के लाभ दोगुना हो। और मैं आह्वान भी करूं कि हमला एक किसानी के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब में भी और हॉर्टिकल्चर ये सब में भी आगे बढ़ना पड़ी, काबर की आज
कृषि के उतना सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हन। वैसे हमार सरकार लगातार ध्यान दे से 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी सिंचाई के रकबा में काफी विस्तार हुई, लेकिन फिर भी आज छत्तीसगढ़ के हमार काफी रकबा सिंचाई से अछूता है। भगवान भरोसे हमन रथन इंद्रदेव के कृपा अच्छा हो जाते तो फसल अच्छा हो जाए, लेकिन हमला ये पशुपालन हॉर्टिकल्चर ये सब में भी आगे बढ़ना पड़ी, मत्स्य पालन में आगे बढ़ना पड़ी। आज ये मत्स्य पालन वगैरह में हॉर्टिकल्चर वगैरह में ये कृषि से भी ज्यादा उनमें फायदा होते। आज कई मत्स्य किसान मन से मैं मिलता हूँ तो धान से भी कई गुना ज्यादा मत्स्य पालन में ये फायदा होते। तो आज ये क्षेत्र में लगातार हमर ये कृषि विश्वविद्यालय काम करत है, इसलिए मैं धन्यवाद दे हूँ। आज 23,000 किस्म से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में धान के नर्म प्लाज के संरक्षण हमारे विश्वविद्यालय करी से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक धरोहर है। धान के कटोरा इसने नहीं कहला है हमारे छत्तीसगढ़। आज 23,000 किस्म के धान यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये विश्वविद्यालय प्रदेश में दलहन तिलहन और उद्यानिकी फसल बढ़ाए बर भी लगातार काम करते है, ओकर ले भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ। और ये जो मेला लगी से इमें जो स्टॉल लगी से मोर किसान भाई मन से सबसे आग्रह हुई कि समय निकाल के एक एक स्टॉल में जाना चाहिए। आज हमला खेती लागे बढ़ाना है तो टेक्निक के भी सहयोग लेना पड़ी, आधुनिक कृषि जो टेक्निक है ओला भी हमला अपनाना पड़ी। और ऐसे ऐसे संयंत्र के स्टॉल लगी से कृषि के यहाँ कि वो सबला देख के, और बहुत सारा सब्सिडी भी है सरकार के तरफ से। अभी हमन बहुत ट्रैक्टर वगैरह भी बांटे हैं, उनमें एक एक ट्रैक्टर में 4.5-4 लाख से 5-5 लाख तक के सब्सिडी है। एक वो 25 लाख की योजना है, उनमें 10 लाख के सब्सिडी है, जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ में हार्वेस्टर और कल्टीवेटर ये सब सारा कुछ है। तो ये सब योजना के लाभ भी लेना है। और आज कई तरह के हमन किताब के विमोचन भी करे हैं अलग अलग फसल के, ये सबला भी मैं चाहूँ कि किसान यहाँ से हासिल करें और ओकर अध्ययन करें। निश्चित रूप से खेती बाड़ी में आगे बढ़े में ये सब सहयोगी हुई। और आज कई क्षेत्र में नया नया फसल के बड़ा स्कोप है। आज जैसे हमारे जसपुर है, हमारे कृषि मंत्री जी कल महुआ के लड्डू खा के आई नहीं तो ओकर जिक्र करत रही। कल हमारे प्राधिकरण की बैठक रही से तो मयाली में करे रहन, मयाली पूरा एक गांव में विकास प्राधिकरण के बैठक। और वहां जसपुर में हमर महिला स्व सहायता के बहनी मन माता मन जसप्योर के नाम से महुआ से अनेकों तरह के प्रोडक्ट तैयार करत है। महुआ के लड्डू देसी घी में, महुआ के अचार। अभी जो कोरोना काल रही सो में पूरा जसपुर से महुआ के सैनिटाइजर के निर्माण वहां हुई। हमारे एक जैन बंधु जसपुर के पूरा सैनिटाइजर बना के ओकर आपूर्ति करे के प्रयास करी। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ वनोपज से भी में भी बहुत रीच है, सैकड़ों तरह के वनोपज है, ओकर भी वैल्यू एडिशन करके हमन हमारे किसान मन के आयला बढ़ा सकत हन। आज जसपुर में हमारे जो मनोरा ब्लॉक है वहाँ चाय पत्ती के खेती होते। आज अच्छा क्वालिटी के चाय पत्ती वहाँ के जो सोगड़ा आश्रम है, ओघड़ा आश्रम, उनमें 10 एकड़ है, बाकी सरकार के तरफ से फॉरेस्ट विभाग के तरफ से सैकड़ों एकड़ में वहाँ चाय पत्ती के खेती होते। तो ऐसा हमन नया नया खेती के भी और उद्यानिकी में भी बहुत स्कोप है। आज नया नया तरह के फल फूल आते, फ्लोरिकल्चर में भी बहुत स्कोप है। तो इस सब में हमन आगे बढ़ना है और अपन आयला बढ़ाना है। और हमर छत्तीसगढ़ के सरकार ये 10 महीना में किसान मन के हित में जो काम करी से ओला ज्यादा बताए की आवश्यकता नहीं है। हमन पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करे हन, और वो भी जो वादा करे रहन 21 क्विंटल प्रति एकड़ और
3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम वो सवला पूरा करे हन। दो साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसान मन के वो देहे के काम करे हन। तो सारा काम किसान मन के हित में होत है। लगातार सिंचाई के साधन भी हमन बढ़ात हन और मैं मुख्यमंत्री के नाते ये निर्देश दे हूँ हमारे सिंचाई मंत्री ला कि जो भी पुराना सिंचाई योजना है पूरे प्रदेश में वो सब काफी डैमेज है तो ओकर पहले दुरुस्तीकरण हो ताकि मतलब सुचारू रूप से हमारे किसान मन के खेत में पानी पहुंचे। तो ये सारा किसान मन के हित में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। इस साल इंद्रदेव के बड़ा कृपा हुई से फसल बड़ा बमबम है पूरे प्रदेश में और मोला पूरा विश्वास है कि इस साल धान खरीदी के जो 145 लाख मेट्रिक टन के जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस साल टूटने वाला है। तो ये सब अच्छी बात है। कुल मिला के हमारे सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान मन के हित में जो भी आवश्यक कदम है वाला सरकार करी। मैं फिर से आज के अवसर में ये आयोजन पर हमारे कृषि मंत्रालय ला हमारे मंत्री जिला ये विश्वविद्यालय ला कृषि विभाग के अधिकारी मल्ला सब ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी ये कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र ला बढ़ावा देख में एक मील के पत्थर साबित हुई और प्रदेश भर से जो हमारे अन्नदाता किसान बंधु मन आईन है उमन के सबके मैं अब ये मेला के लाभ लहें सबला देखें समझें और कृषि के क्षेत्र में उद्यानिकी क्षेत्र में मत्स्य पालन में पशुपालन में हर क्षेत्र में आगे बढ़े यही शुभकामना देते हुए मैं अपन बातला अंत करत हूँ। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। माननीय अतिथियों के द्वारा ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न होता है।